नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। इंदौर रोड पर नया खेड़ी गांव की कान्हा नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि गांव वालों ने उनकी मां को डूबने से बचा लिया। जानकारी के मुताबिक ललिता को उसके बच्चे कृष्ण और बलराम के साथ नदी पर घूमता हुआ देखा गया था। कुछ देर बाद गांव वालों ने ललिता के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो देखा कि वो डूब रही है। ललिता ने बताया कि उसके बच्चे नदी में डूब गए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से कृष्ण और बलराम के शव नदी से बाहर निकाले। महिला के मुताबिक नदी के किनारे घूमते वक्त पैर फिसल जाने से वो नदी में गिर गए थे। सुबह 11 बजे करीब घटना बता रही है। एक भाई है, ललिता भाई, जिसके दो बच्चे यहाँ डूब गए हैं। बता रही थी कि यहाँ से निकल रहे थे तो बच्चों का पैर फिसल गया तो नदी में गिर गए। वो दोनों बच्चे डूब गए हैं। इसकी तलाश के लिए हम लोग भी आए थे। 100 डायल, सबसे पहले 100 डायल को सूचना मिली थी तो 100 डायल आई। उन्होंने सूचना की तो हम आए, उसके बाद रेस्क्यू टीम बुला ली है। अब निकाल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कूदी नहीं थी। महिला का ये कहना, महिला सामने ही है, उसका कहना ये है हम यहाँ से निकल रहे थे, दोनों बच्चों का पैर फिसल गया तो वो गिर गए, तो उसको बचाने के लिए कूदी थी। तो किसी गाँव वाले बता रहे हैं, गाँव वालों ने निकाल लिया उसको, महिला को, वो बच्चों को नहीं निकाल पाए। उज्जैन से सुदर्शन सोनी, न्यूज़ आज। इस खबर में इतना ही। नमस्कार।